हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मासूम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करेक्ट टेंस के बारे में, और ये हमारे इस वीडियो का पार्ट 5 है। पिछले के 4 पार्ट्स को अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें आप जाकर जरूर देख लें, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम इफ आई बी प्रेजेंट। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आई वुड have helped him if I were present। क्योंकि ये सेंटेंस भी एक untrue past का सेंटेंस है, तो इसलिए इसमें भी हमें I were present यूज करना है, was नहीं होगा, were होगा। जब भी हमें ऐसा कोई सेंटेंस दिखे, ये मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, तो आप उसे जरूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो ऐसे टाइप के सेंटेंस पे जब भी हमें untrue past दिखे, तब हमें हमेशा I would have helped him if के बाद में हमें हमेशा क्या यूज करना है, past indefinite tense यूज करना है। बट यहाँ पर I के साथ was नहीं होगा, where होगा, जो कि आपको बहुत ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है नंबर 41। पिछले के जो पार्ट्स थे उसमें हमने अप टू 40 questions तक डिस्कस कर लिए थे, तो आज का जो हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है वो है when I went out it still rained। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी when होगा तो आंसर क्या होगा, आप मेरे को साथ में आंसर कमेंट सेक्शन में बताते रहें ताकि आपका भी प्रैक्टिस होता रहेगा। तो जब भी सेंटेंस में हमें when मिल जाए तो हमें क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर when I went out, went से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात हो रही है। तो when I went out it still rained, जब मैं बाहर निकला तब बाहर बारिश हो रही थी। तो इसका आंसर क्या होगा, when I went out, it was still raining। अगर आपने ये आंसर लिखा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखा है आपने। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 42। If I be a bird, I could fly। आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये भी एक अनट्रू पास्ट का सेंटेंस है कि काश मैं अगर एक पक्षी होता तो मैं भी उड़ पाता। तो इसलिए हमें यहां पर क्या लिखना है, इफ आज का जो होमवर्क का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें भी ऐसा ही कुछ था। तो इफ आई क्या होगा, बिल्कुल सही, वेयर, इफ आई वेयर ए बर्ड आई कुड फ्लाई। बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 43। शी बी इन कैलकटा सिंस 1990। तो यहां पर क्या होगा इसका आंसर, सिंस है इसलिए हमें यहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, शी हैज बिन इन कैलकटा सिंस 1990। आई होप कि आप मेरे साथ साथ सभी आंसर्स करेक्ट दे रहे होंगे। तो आपको पता ही होगा कि हर एक क्वेश्चन का एक एक पॉइंट है, तो वीडियो के एंड में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 44। आई टेक माई मील जस्ट नाउ। यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा, जस्ट नाउ यूज किया गया है कि जस्ट अभी मैंने अपना मील लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जस्ट नाउ लिखा हुआ है इसलिए हमें यहाँ पर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। आई हैव टेकन माई मील जस्ट नाउ। जस्ट अभी मतलब जो चीज अभी कंप्लीट हुई हो वहां पर हमें परफेक्ट टेंस का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे रीच होम बिफोर इट ग्रू डार्क। तो इसका आंसर क्या होगा, दे रीच होम बिफोर इट ग्रू डार्क। यहां पर दो इवेंट हुए हैं, क्या हुआ है पहले, दे रीच होम बिफोर इट ग्रू डार्क, पहले हुआ है अंधेरा या फिर पहले हम पहुंचे। क्या हुआ है, दे रीच होम बिफोर इट ग्रू डार्क, डार्क होने के पहले हम वो घर पहुंच गए। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ पहले होती है, जो इवेंट पहले होता है उसमें हमें हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, और जो इवेंट बाद में होता है वहाँ पर हमें इंडिफिनिट टेंस का यूज़ करना है। जो पिछले के पार्ट्स को देखते आ रहे हैं उनका आंसर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दे हैड रीच्ड होम बिफोर इट ग्रू डार्क, क्योंकि यहाँ पर दो इवेंट हुए, तो यहाँ पर जो चीज़ हमेशा पहले होती है, जो इवेंट पहले होता है उस पर हमें हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, और जो बाद में होता है वहाँ पर हमें इंडिफिनिट टेंस का यूज़ करना है। तो क्योंकि हम पहले पहुँच गए, वो लोग पहले पहुँच गए दे, तो इसलिए दे हैड रीच्ड होम बिफोर इट ग्रू डार्क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 46। माई फ्रेंड कम हियर टुमोरो।
माई फ्रेंड कम हियर टुमोरो, तो यहाँ पर मेरा दोस्त कल आएगा, तो ये फ्यूचर का बात हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड विल कम हियर टुमोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, आई वॉश माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रैंग। तो जब टेलीफोन बज रहा था तब मैं अपना हाथ धो रहा था, तो यहाँ पर व्हेन दिख गया, तो मैंने पहले ही बताया था कि क्या होगा व्हेन होने के टाइम पे, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है, तो इसमें हमें क्या करना है, आई वॉज, क्योंकि रैंग है तो हमें इससे पता चल रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, तो आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रैंग। आई होप आपने अभी तक सभी आंसर करेक्ट दिए होंगे, अगर नहीं दिए तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, विच बुक यू रीड सिंस दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर हमें सिंस दिख रहा है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, तो यहाँ पर अभी हम लोग लिखेंगे विच बुक हैव यू बिन रीडिंग सिंस दिस मॉर्निंग। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विश आई बी ए किंग। तो ये क्या होगा, ये भी एक अनट्रू पास्ट का ही सेंटेंस है, तो यहां पर हमें क्या करना है, आई विश आई, आपने बिल्कुल सही सोचा, वेयर ए किंग। लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्वेश्चन नंबर 50, हाफ सेंचुरी मार दी है हमने प्रैक्टिस करते करते, फादर रीड ए न्यूज़पेपर नाउ। तो ये वाला सेंटेंस हमेशा की तरह, जैसे एक सेंटेंस में आपको होमवर्क देता हूँ, वैसे ये वाला सेंटेंस आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके पास दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप मुझे कुछ भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।